स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डिफेंडर सीजन 1 के एपिसोड 5 को। हम सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी 9 की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मैडम गाहो, मोराकामी और व्हाइट हैट अपने आदमियों को लेकर चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ ऑलरेडी इनकी टीम लीडर अलेक्जेंड्रा इलेक्ट्रा के साथ मौजूद थी। इनके वहाँ पहुँचते ही डिफेंडर्स और अलेक्जेंड्रा के टीम के बीच हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है, जहाँ अलेक्जेंड्रा के आदमी सभी लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। तब स्टिक कहता है कि हमें अब मिलकर फाइट करना होगा। फाइट करते करते मैड इलेक्ट्रा को साइड में ले जाता है और उसे पकड़कर पुरानी बातें याद कराने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम ऐसी नहीं थी, तुम बस मेरी थी, और तुम जब मर गई थी तो मैंने तुम्हें अपने हाथों से दफनाया था, और तुम्हारा नाम ब्लैक स्काई नहीं बल्कि इलेक्ट्रा है। तभी वहाँ मोराकामी पहुँचता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रा बुझते हुए उसे मारती है, जिससे मोराकामी थोड़ी दूर जाकर गिरता है। इधर ल्यूक व्हाइट हेड से फाइट करता है, जो कि कुनफू में एक्सपर्ट था। वहीं दूसरी तरफ डैनी अकेला मैडम गाहो के आदमियों से फाइट कर रहा होता है, जहां सभी गुंडे उस पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां जेसिका और स्टिक पहुंचते हैं और डैनी को बचाकर उसे लेकर रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं, जहां पर मैट अकेला था। फिर ये सभी लोग एक टनल के जरिए वहां से निकलकर भाग जाते हैं। तभी मैडम गाहो और बाकी सब उन्हें ढूंढते हुए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं। मैडम गाहो सभी से पूछती है कि ब्लैक स्काई कहाँ है, जिस पर मोराकामी कहता है कि ये बात तो हमारे लीडर अलेक्जेंड्रा से पूछना चाहिए। इधर अलेक्जेंड्रा ये सारी चीजें देखकर काफी हैरान थी। दूसरी तरफ डिफेंडर्स की टीम वहां से निकलकर सीधा डैनी के दोस्त कॉलिन के पास पहुंचते हैं, जहां कॉलिन उन्हें देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन डैनी उसे बताता है कि हैंड ने हमारे ऊपर हमला किया था और वे लोग हमारे एक आदमी ल्यूक को ले गए, पर तभी उन्हें अपनी ओर कोई आता हुआ महसूस होता है, पर वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूक ही होता है, जो कि काफी थका हुआ था। फिर ल्यूक सभी को वैन के पास ले जाकर उन्हें व्हाइट हेड को दिखाता है और कहता है कि उनका एक आदमी अब हमारे कब्जे में है। दूसरी तरफ हमें इलेक्ट्रा को दिखाया जाता है, जहां तभी अलेक्जेंड्रा पहुंचती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी, तुमने मेरी तरह ही अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें सीख ली है। जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अलेक्जेंड्रा कहती है कि तुम हमारी वेपन हो और तुम्हारे पास कोई भी च्वाइस नहीं है, हमने तुम्हें ये लाइफ दी है और तुम शुरू से ही हमारे लिए बनी थी, अगर तुम हमारे काम नहीं आई तो तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि आगे क्या होगा। तभी वहाँ मोराकामी पहुंचता है और अलेक्जेंड्रा से कहता है कि व्हाइट हेड को उन्होंने पकड़ लिया है, जिस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि हम सालों से परेशानियों से निकलते आए हैं, इस बार भी इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान आयरन फिस्ट को पकड़ने में फोकस करना चाहिए। इधर व्हाइट हेड से इंटेरोगेशन के दौरान डिफेंडर्स की टीम को पता चलता है कि हैंड अब उनकी फैमिली मेंबर्स और दूसरे उनसे जुड़े हुए लोगों पर अटैक करेगा। इससे पहले कि कुछ हो, सभी लोग अपने करीबियों के पास पहुंचते हैं ताकि उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा सके। दूसरी तरफ हमें डैनी और कॉलिन को एक कार में साथ दिखाया जाता है, जहां कॉलिन डैनी से कहती है कि हम बाकियों को खतरे में नहीं डाल सकते, जिस पर डैनी कहता है कि दरअसल तुम नहीं जानते कि हैंड कितनी खतरनाक है, वे लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। तभी वहां पर दो ब्लैक कलर की कार आती है, जिसे देखकर डैनी उसके पीछे जाता है। कुछ देर बाद कॉलिन भी उसके पीछे जाती है, पर तभी वहां उसे बाकुटो मिलता है। बाकुटो को देखकर कॉलिन काफी हैरान होती है, क्योंकि दरअसल बाकुटो की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल वो कॉलिन के सामने जिंदा खड़ा था। उसे देखकर कॉलिन मारने के लिए उसे आगे बढ़ती है, पर बागुटो बचते हुए उसे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। उन्होंने मुझे आयरन फिस्ट को लाने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए तुम हमें ज्वाइन कर लो। जिस पर कॉलिन कहती है कि तुम मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हो, और ये कहकर वो बाकुटो को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करती है, पर बाकुटो किसी तरह से बच जाता है और उसी की तलवार लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी लियू आकर उसे बचा लेता है। बाकुटो उन सभी को देखकर वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ डिफेंडर्स की सभी टीम अपने करीबियों को लेकर मिस्टी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जो बाकी जगहों से सेफ था। इधर जेसिका अपनी दोस्त ट्रिस के पास पहुंचती है ताकि वो उसे भी सेफ कर सके। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ट्रिस के द्वारा कारण पूछने पर जेसिका उसे कहती है कि फिलहाल तो मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तभी अचानक वहां मोराकामी पहुंचता है। उसे देखकर जेसिका ट्रिस को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, और तभी मोराकामी उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे जेसिका थोड़ी दूर जाकर गिरती है। मोराकामी उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे एक स्टिक आकर लगती है। वो स्टिक डेयरडेविल की थी, यानी कि मैट ने डेयरडेविल का सूट पहन लिया था। डेयरडेविल को देखकर ट्रिस काफी हैरान होती है। फिर ये दोनों मिलकर मोराकामी से फाइट करते हैं। यहाँ पर मोराकामी की अच्छी खासी पिटाई होती है। फिर वो अपने आप को पिटता देख वहां से भाग खड़ा होता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टिक के घर कॉलिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही उदास थी, क्योंकि बाकुटो ने ही उसे बचपन से ट्रेनिंग दिया था ताकि वो हैंड के दुश्मनों से लड़ सके, पर वो अब बिल्कुल बदल चुका था। कॉलिन को उदास देकर ल्यूक की दोस्त क्लियर उसे संभालती है। दूसरी तरफ हमें मैडम गाहो को दिखाया जाता है, जो कि बाकुटो के कॉलिन के पीछे जाने की बात से काफी नाराज थी।
सफाई में बाकुटो कहता है कि कॉलिन हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी, इसलिए मैं उसके पीछे गया था और मैं ये सब हैंड के लिए ही कर रहा हूँ। इस पर मैडम गाहो कहती है कि ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। तभी वो अलेक्जेंड्रा पहुँचती है और कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मिलकर हमें एक प्लान बनाना होगा। जिस पर मोराकामी डेयरडेविल की बात करते हुए कहता है कि ये बंदा वापिस आ चुका है जो कि एक स्किल फाइटर है और हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और वैसे भी वो ब्लैक स्काई का लवर है। जिस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अब उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मोराकामी कहता है कि ब्लैक स्काई ने डेयरडेविल को बचाने के लिए मुझे मारा था और मैं वहां मरते मरते बचा था, इसलिए वो हमारे लिए खतरा बन सकती है, और तुमने हमारा लास्ट रिसोर्स यूज करके उसे जिंदा कर दिया, इसलिए हमें अब उसके बिना ही प्लान बनाना होगा। इधर दूसरी तरफ डिफेंडर्स की टीम व्हाइट हेड को टॉर्चर कर रही होती है, जहां उन्हें पता चलता है कि दरअसल इलेक्ट्रा मैट की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसे हैंड वापिस जिंदा करके उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। यहां ये लोग एक दूसरे की बातों में उलझे रहते हैं। तभी अचानक व्हाइट हेड अपने हाथों को खोलकर वहां से छूट जाता है और डैनी की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी स्टिक उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर इलेक्ट्रा मैट के घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर उसके सोफे और बेड को छूती है और उसे महसूस करने की कोशिश करती है। फिर वो उसके बेड पर लेट जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना।